गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज ट्रांसलेशन में हम 31 टू 40 वर्ब्स को हिंदी और इंग्लिश में लर्न करेंगे और उनके मतलब को समझेंगे। लेकिन ये वर्ब्स आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा, नो होमवर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ब फॉर टुडे इज कलर। क्या है पहली वर्ब हमारी? कलर, सी ओ एल ओ यू आर, कलर, रंग भरना। कलर का मतलब क्या होता है? रंग भरना, या हम ये भी बोल सकते हैं कलर की हिंदी रंग भरना होती है। सी ओ एल ओ यू आर, कलर, कलर, रंग भरना। सेकेंड इज कॉम्ब। कॉम्ब, कंघी करना, सी ओ एम बी, कॉम्ब। कॉम्ब मतलब होता है कंघी करना। थर्ड इज कम, सी ओ एम ई, कम। कम की हिंदी होती है आना, सी ओ एम ई, कम। कम मतलब होता है आना। द नेक्स्ट इज कम्प्लीट, सी ओ एम पी एल ई टी ई, कम्प्लीट। कम्प्लीट, पूरा करना, सी ओ एम पी एल ई टी ई, कम्प्लीट। कम्प्लीट, पूरा करना। एंड द नेक्स्ट इज कंडेंस। कंडेंस, गाढ़ा करना, सी ओ एन डी ई एन एस ई, कंडेंस। कंडेंस, गाढ़ा करना। तो चलिए अब इन सारे शब्दों को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है वो कौन सा है? वो है कलर। कौन सा है? कलर। कलर मतलब क्या होता है? कलर मतलब होता है, सपोज करिए आपके एक ड्राइंग शीट आपको दी गई है, उसमें कोई फिगर बना हुआ है। ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग पेपर पर एक फिगर बना हुआ है जिसको आपको रंग भरना है। मतलब जो ड्राइंग शीट आपकी वाइट कलर की है, उसका कलर चेंज करके, जो फिगर के अंदर है उस फिगर के अंदर के ड्राइंग शीट के कलर को चेंज करके हमें दूसरा कलर देना है। या हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई दादी है या आपकी कोई दीदी है जो काफ़ी यंग है और वो अपने बालों को कलर करना चाहती है, तो वो अपने बालों को, रंग को बदलना चाहती है। अभी उसके बाल ब्राउन है या ब्लैक होंगे तो वो कलर्स को चेंज करके कोई दूसरा रंग देना चाहती है, उसको बोलते हैं कलर। नेक्स्ट इज कॉम्ब। दूसरा कौन सा है? कॉम्ब। कॉम्ब मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अपने बालों को काटना। अगर आपके बाल उलझे हुए हैं तो आप अपने बालों को कंघी या कॉम्ब या ब्रश के साथ उसको सुलझा सकते हैं। और जब उसको सुलझाते हैं तो हम कहते हैं आई कॉम्ब्ड माई हेयर, मैंने अपने बालों में कंघी कर ली। द नेक्स्ट इज कम। कम का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे, कम मतलब है आना। जैसे कि जो कोई बोल रहा है या जो कोई आपको बुला रहा है उसके पास तक जाने को हम बोलते हैं आना। मतलब जो स्पीकर होता है, जो आपको बुला रहा है या पुकार रहा है, उसके पास जाने को हम बोलते हैं आना। नेक्स्ट इज कम्प्लीट। कम्प्लीट मतलब है पूरा करना। ये भी क्वाइट ईजी है। कम्प्लीट मतलब पूरा करने से क्या अर्थ है? कम्प्लीट मतलब पूरा करने का अर्थ है कोई भी काम को ख़त्म करना। जैसे कि मम्मी से आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि मम्मी आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम या अपना जो होमवर्क था वो पूरा ख़त्म कर लिया, जितना दिया गया था वो सारा कर लिया। इट मीन्स आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट इज कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा करना। किसी भी चीज़ को किसी दूसरे मेथड के थ्रू, चाहे वो उबाल कर या कोई और चीज़ उसमें डालकर उसको गाढ़ा करना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि घर पर कभी कभी खीर बनती है, सबको पसंद है खीर, तो खीर बनाने के लिए या फिर आइसक्रीम बनाने के लिए जब हम दूध को उबालते हैं और उसको हम कंडेंस करते हैं, मतलब उसको काफ़ी देर तक गैस पर रखकर गाढ़ा करते हैं, तब जाकर हमारी खीर या फिर आइसक्रीम बन पाती है। जब तक हम दूध को गाढ़ा नहीं करेंगे खदका खदका के उबाल उबाल कर, तो दूध से खीर या आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए एक बार सारे वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज कलर, मीन्स रंग भरना। सेकेंड इज कॉम, कंघी करना। थर्ड इज कम, आना। नेक्स्ट इज कम्प्लीट, पूरा करना। एंड द लास्ट वन इज कंडेंस, गाढ़ा करना। एक बार फिर से बोलते हैं, कलर रंग भरना, कॉम कंघी करना, कम आना, कंप्लीट पूरा करना, कंडेंस गाढ़ा करना। चलिए अब हम आगे के वर्ब्स देखते हैं।
द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ब इज कंटेन, अपने में रखना, कन्वर्स, बातचीत करना, कुक, पकाना, कूल, ठंडा करना, करेक्ट, सही करना. तो हमारा पहला वर्ब जो इस सेट में है वो क्या है, कंटेन. कंटेन अपने में रखना, CONTAIN, कंटेन. कंटेन अपने में रखना, CONTAIN, कंटेन अपने में रखना. नेक्स्ट इज कन्वर्स. कन्वर्स बातचीत करना, CONVERSE, कन्वर्स. कन्वर्स मतलब होता है बातचीत करना, CONVERSE, कन्वर्स. कन्वर्स मतलब बातचीत करना. थर्ड इज कुक. थर्ड कौन सा है, कुक. कुक मतलब होता है, या कुक की हिंदी होती है पकाना. कुक, COOK, कुक. कुक पकाना. नेक्स्ट इज कूल. कूल ठंडा करना, COOL, कूल. COOL, कूल. कूल का मतलब होता है ठंडा करना. एंड द लास्ट वर्ब फॉर टुडे इज करेक्ट, CORRECT, करेक्ट. फिर से रिपीट करिए, COERECT, करेक्ट. करेक्ट का मतलब होता है सही करना. तो चलिए अब इन सारे वर्ब्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. फर्स्ट इज कंटेन. कंटेन अपने में रखना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज है उसके अंदर हमने दूसरी चीज रखी हुई है. फॉर एन एग्जाम्पल, कि ग्लास है और उसके पानी है उसके अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, अ ग्लास कंटेन्स वाटर, कि पानी जो है वो ग्लास के अंदर है. या हम ये भी बोल सकते हैं कि पानी अपने में ग्लास को रखे हुए है. या हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, द बॉक्स कंटेन्स एप्पल. हमारे सामने कोई बॉक्स पड़ा है और किसी ने हमसे पूछा कि इस बॉक्स में क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉक्स कंटेन्स एप्पल, कि इस बॉक्स के अंदर एप्पल्स हैं. अब दूसरा लेते हैं कन्वर्स. सेकेंड इज कन्वर्स. कन्वर्स मतलब है बातचीत करना. इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक दूसरे से या किसी सामने वाले से कोई बात करने को हम बोलते हैं कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स बातचीत करना. थर्ड इज कुक. कुक मतलब है पकाना. जैसे कि ये भी सिंपल वर्ब है, आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो व्हाट डू यू से, यू विल से माय मदर इज कुकिंग द फूड. आप क्या बोलेंगे, कि मेरी मम्मी खाना पका रही हैं. तो कुक मतलब होता है पकाना. द नेक्स्ट वन इज कूल. कूल मतलब होता है ठंडा करना. ये भी सिंपल वर्ब है, कोई चीज गर्म होती है और जब उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं किसी भी मेथड से, चाहे वो किसी पंखे के आगे रखें या किसी कूलर के आगे रखें या फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो उससे उसका टेम्परेचर, जो गर्म चीज का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये चीज ठंडी हो गई है. तो इट कूल्स, तो मतलब ठंडा हो गया, ठंडा करना. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज करेक्ट. करेक्ट सही करना. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो उसको हम सही करते हैं, कि हम बोलते हैं कि आपने ये गलती की है, तो इसका मतलब होता है करेक्ट किया है उसको. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड आप गलत प्रोनाउंस करते हैं, क्या करते हैं, किसी वर्ड को गलत तरीके से बोलते हैं, तो आपकी मम्मी या आपकी टीचर या कोई दूसरा व्यक्ति आपको सही करके बोलता है, आपको सही बताता है कि ये वर्ड आपने गलत बोला है, आप इसको सही कर लो, तो वो आपको करेक्ट करता है, आपका जो प्रोनंसिएशन है उसको वो करेक्ट कर देता है. तो ये थे हमारे आज के वर्ब्स. तो चलिए एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज कलर, रंग भरना. कॉम, कंघी करना. कम, आना. कंप्लीट, पूरा करना. कंडेंस, गाढ़ा करना. कंटेन, अपने में रखना. कन्वर्स, बातचीत करना. कुक, पकाना. कूल, ठंडा करना. करेक्ट, सही करना. तो ये सारे वर्ब्स आपको केवल अभी याद करने हैं, अपनी नोटबुक पर नहीं लिखने. ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड्स आपको अभी अपनी नोटबुक पर नहीं लिखने. जब मैं एज अ होमवर्क भेजूंगी तब आपको ये अपने नोटबुक पर लिखने हैं. गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.